गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक जो नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत की तरफ से एक जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। और इसके ऊपर जो वैकेंसी है आपका जूनियर असिस्टेंट का वैकेंसी है, और इस वैकेंसी के ऊपर ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे हैं इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी यूनियन टेरिटरीज के हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका जो सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे दिया गया है, और ये जो एडवर्टाइज आपका 17 अक्टूबर 2022 का जो एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंदर जो वैकेंसी आपका जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसके लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जितना भी 10+2 पास आउट कैंडिडेट्स है सबको जो है मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग इस जो वैकेंसी के लिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने का जो वेबसाइट है मैं लेटेस्ट स्टेज में आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये जो वैकेंसी आपका ये जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे 15 वैकेंसी है, 15 में से जो 7 वैकेंसी अनरिजर्व जो कैंडिडेट्स के लिए, 2 वैकेंसी शेड्यूल कास्ट के लिए, 1 वैकेंसी शेड्यूल ट्राइब, और आपका 4 वैकेंसी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और UWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस है उनके लिए 1 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी आपका 15 वैकेंसी है, ठीक है। और जिसके लिए अपर एज लिमिट रखा गया 27 ईयर्स तक कैंडिडेट इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और क्लियरली इसमें बताया गया है इस वैकेंसी के ऊपर ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे, देखिए यहाँ पे सूटेबल इंडियन नेशनल्स करके मेंशन हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि जो जितना भी जो सूटेबल कैंडिडेट्स है फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया जो है इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें से देखिए आउट ऑफ जो टोटल वैकेंसी, इसमें 1 पोस्ट फॉर PWD जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिनका मोर देन 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, और परमानेंट डिसेबिलिटी होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी इसमें दिया गया है। तो ये जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो सूरत है उनके बारे में मैं जैसे आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो जॉब है आपका प्योरली परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है, ठीक है। तो इसमें किसी कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की शंका या डाउट्स नहीं रखना चाहिए, ठीक है, डाउट में मत रहिएगा। और इसमें ये जो वैकेंसी के लिए जो अप्लाई होगा वो ऑनलाइन अप्लाई होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो वेबसाइट है NIT सूरत का जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इसी वेबसाइट में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और उसके साथ साथ कंप्लीट आपका एप्लीकेशन जब सबमिट कर देंगे, सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकाल के उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आपको भेजना होगा एक जो NIT सूरत का जो एक एड्रेस लेटेस्ट स्टेज में बताऊँगा उसी एड्रेस पर आपको भेजना भी होगा। ओनली ये आप इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करके आप बैठ मत जाइएगा, ठीक है, उसमें आपका जो आप फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, तो इसलिए आपको ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ उसका प्रिंटआउट निकाल के जो कैसे भेजना है मैं लेटेस्ट स्टेज में आप लोगों को टोटल जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे सभी विषय में इसमें चर्चा करता हूँ। तो इसलिए मेरा देश के अभ्यर्थी को सभी को जो सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग थोड़ी सी संयम बनाए रखें मेरे साथ, और स्वयं के साथ शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे तो इस नोटिफिकेशन का जो डिटेल से संपूर्ण जानकारी आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि बताना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली जैसे मेंशन किया गया है, इसमें जो कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे उसमें अपर एज लिमिट 27 ईयर्स तक इसमें रखा गया है, बट जो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन, जो PWD कैंडिडेट्स है 10 ईयर्स का अतिरिक्त जो एडिशनल जो है रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। बट इसमें एक चीज़ और भी बताया गया है, इस पद के लिए अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स दैट मीन्स जो NIT सूरत के जो कैंडिडेट्स अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी परसेंटेज रखा गया है जो वैकेंसी का, और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे वो 56 ईयर तक इस पद के लिए आवेदन करेंगे कर पाएंगे। नेक्स्ट अभी देखेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कैंडिडेट इसको PDF को पूरी तरह से पढ़ना चाहता है वो मेरा टेलीग्राम जो पेज है वे टू सक्सेस के नाम से, उसी नाम से जो है मेरा टेलीग्राम पेज में ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करके आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। और जितना भी जो रिजर्व कैटेगरी जैसे आपका SC/ST OBC OBC नॉन क्रीम लेयर आपका EWS और जो भी डिसेबल कैंडिडेट्स है जितना भी आपका रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी के लिए सभी के लिए जो लेटेस्ट फॉर्मेट में जो कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट की जो आवश्यकताएं हैं वो सबसे लास्ट में सभी का फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है, जिसको मैं 1x1 उसको वहाँ पर आपका लास्ट स्टेज में दिखाऊँगा, तो इसके लिए थोड़ी सी स्वयं बनाए रखें, ठीक है।
यहाँ पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट सबसे जो जरूरी चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपका मेट्रिकुलेशन जो स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा और उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ जो है आप लोग मेंशन करिएगा जब ऑनलाइन सबमिशन करते समय, और स्पेलिंग आपको प्रॉपरली चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका हायर सेकेंडरी जो क्लास आपका ट्वेल्थ का जो मार्कशीट होगा, जो बोर्ड का मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे शो करना होगा। बट जब आप भेजेंगे जैसे ऑनलाइन, जैसे मैंने बोला कि आपको दो स्टेज में आपको अप्लाई करना, एक तो सबसे पहले स्टेज जो है आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे जो वेबसाइट मैंने बताया। सेकंड काम ही है जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है उसका प्रिंटआउट निकालना है एप्लीकेशन का और जितने भी एनक्लोजर्स है उसका प्रिंटआउट निकालना है, और हर एक कॉपी में हर एक कॉपी को आपको नंबरिंग करना है और हर एक पेज में आपका सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर के साथ साथ जो उसका जो कॉपी को आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है, एक एनवेलप में डाल के, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपका जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑल जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, बट वहाँ जो भेजेंगे वो सभी जो कॉपी है सेल्फ अटेस्टेड होगा, ठीक है। उसका प्रिंटआउट निकाल के आपका सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, इसमें जो थर्ड कलम ये इसके लिए जो इस पोस्ट के लिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जो वैकेंसी है आपका ऑफिशियल वैकेंसी है, इसके लिए 10+2 जो है। देखिए इसमें जो आपका सी वाला जो पॉइंट है वो इस पोस्ट के लिए मतलब लागू नहीं है, ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो इसमें जो डी पॉइंट में देखिए एससी एसटी अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी का कैंडिडेट है उसमें देखिए अनेक्सर सेकंड ए में जो फॉर्मेट दिया गया है इस फॉर्मेट में आपको एससी एसटी सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट के तहत तैयार करना है। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स है उनके लिए जो फॉर्मेट दिया गया अनेक्सर सेकंड बी में दिया गया है जो दिखाऊंगा, ये जो अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट्स होता है या जो आपका डिसेबल कैंडिडेट्स होता है इसी फॉर्मेट के तहत उनको डॉक्यूमेंट तैयार करनी होगी, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन एप्लीकेंट है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स इस पद के लिए अप्लाई करता है उनके लिए भी फॉर्मेट दिया गया है, जो फॉर्मेट आपका अनेक्सर बी अनेक्सर सेकंड सी में दिया गया है, ये भी आपको लास्ट स्टेज में मिलेगा। जो ओबीसी सर्टिफिकेट जो देंगे, जो ओबीसी कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनका देखिए फॉर्मेट आपका अनेक्सर सेकंड डी में है, ठीक है। और आपका सर्टिफिकेट जो होगा ऑन और आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2022 के बाद ही आपका जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसी तरह से जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स है जो ईडब्ल्यूएस इसके लिए आवेदन करेंगे उनका फॉर्मेट देखिए अनेक्सर सेकंड ई में है, ठीक है, वो भी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2022 का होना चाहिए। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स या अदर सेक्टर से जैसे प्राइवेट सेक्टर या ऑटोनोमस बॉडी या आपका जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट से जो अगर कोई कैंडिडेट्स इस पद के लिए आवेदन करते हैं वो प्रॉपरली उनका जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ ही जिस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता जो है नहीं है, बट अगर किसी के पास है तो आप जो है इसको शो करा सकते हो, बट ये जो है कंपलसरी नहीं है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एक जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आपका कम से कम जो है इनमें से जैसे आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक फोटो आईडी जो है इन ओरिजिनल फॉर्म में आपका होना चाहिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। और जब डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे इनिशियली जब भेजेंगे उस टाइम एक जेरेक्स जो सेल्फ अटेस्टेड करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होगा, जो कैंडिडेट्स आपका रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, रिजर्वेशन मीन्स जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो आते हैं जैसे एस सी एस टी ओ बी सी ईडब्ल्यूएस आपका पीडब्ल्यूडी और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स या अदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो भी है वो जिनका जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोड्यूस करना होगा, अदरवाइज आपको काउंट किया जाएगा ऑन रिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अगर रिजर्वेशन चाहते हैं तो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट जो सक्षम प्राधिकारी है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे आपको प्राप्त करना होगा और वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी जो है ओरिजिनल कॉपी होंगे, बट इनिशियली जब भेजेंगे सक्सेसफुली सबमिशन ऑनलाइन सबमिशन के बाद जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उसमें होगा, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे एप्लीकेशन जो फीस जो भरेंगे उसका रिसिप्ट का एक कॉपी भी आप जो है अटेस्टेड करके सिग्नेचर करके जो इनिशियली जब डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसके भी उसके साथ आपको भेजना होगा। यहाँ पे देखिए ये जो पोस्ट आपका जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए एप्लीकेशन जो प्रोसेस है यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है आपका सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत की जो वेबसाइट यहाँ पे जारी किया गया है इसी वेबसाइट में आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। और
नेक्स्ट देखिए, आफ्टर आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखिए इसमें क्लियरली बताया गया है, इसमें कोई भी करेक्शन के आपको चांसेस नहीं दिए जाएंगे। इसी लाइन को अगर आप पढ़ेंगे, इसी लाइन में बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है, तो आपको किसी प्रकार का करेक्शन के मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, एक बार फॉर्म को फिलअप करने के बाद दोबारा इसको आराम से देख लीजिए, इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई चीज़ जैसे गलत हुआ है, वो आपको आप लोगों को आराम से देखना होगा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें क्लियर किया गया है, जैसे आपका जो एप्लीकेशन जो है विदाउट पेमेंट, अगर कोई कैंडिडेट का पेमेंट जो सक्सेसफुली अगर सबमिट नहीं होता है तो प्रॉपरली इसको दोबारा जो है उसको जो आपका जो एप्लीकेशन फीस को सबमिट कीजिए, विदाउट एप्लीकेशन फी रिसिप्ट जो है आपको कैंडिडेटचर को नहीं माना जाएगा, उसको आपको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए जब ऑनलाइन एक बार आप सबमिट कर देते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, दोबारा दोहरा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट ना रहे, ठीक है। आप पहले सक्सेसफुली सबमिट करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन फीस जो है सक्सेसफुली सबमिट होगा, उसके बाद देखिए जो आपका एप्लीकेशन का, यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो एप्लीकेशन का जो सभी जो पेज है ये क्या होंगे, आपको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हर एक पेजेस में नंबर होगा, 1, 2, 3, 4 करके ऐसे नंबरिंग होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसको 1, 2, 3, 4 करके सारे डॉक्यूमेंट को आपको नंबरिंग करना होगा, और हर पेज में आपको साइन करना होगा। ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है देंगे आप, जो वो सारे जो है आपका सेल्फ अटेस्टेड होंगे। ऑल द पेजेस ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी नंबर्ड, मतलब हर एक पेज को आपको नंबर करना पड़ेगा, और फर्स्ट पेज में जो फर्स्ट पेज होगा उसके ऊपर लिखेंगे टोटल कितना पेज जो है आप भेज रहे हैं, टोटल कितना पेज जो है आप एनक्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी कार्रवाई करने के बाद आपको एक एनवेलप के अंदर डाल के, ठीक है, एनवेलप के ऊपर जो है लिखा रहेगा, देखिए आप कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें लिखा रहेगा, और आपका एप्लीकेशन आईडी, जब आप अप्लाई किए उसका जो आईडी नंबर है वो भी आपको यहाँ पे देना होगा, और कौन सी पोस्ट के लिए, जैसे यहाँ पे वो एप्लीकेशन के ऊपर लिखा जाएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद आपका होगा जो एप्लीकेशन आईडी, और इसको भेजना होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ से जो एड्रेस शुरू होता है, यहाँ से देखिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, SBNIT, ठीक है, इच्छानाथ जो आपका डुमास रोड है सूरत, आपका 395007 गुजरात। तो यहाँ पे ये जो आपका एड्रेस है यहाँ से शुरू होकर ये आपका एड्रेस है, इसी एड्रेस में आपको भेजना होगा, ठीक है। इसको बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, इसलिए कोई भी कैंडिडेट इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए क्लियरली इसमें जो है बताया गया है, ये पॉइंट को अगर आप ध्यान देंगे, द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपको टाइमली जो है इस तमाम कॉपी को आपको भेजना होगा, और टाइमली वो पहुंचना चाहिए, ठीक है। और ये पहुंचना चाहिए, देखो ये जो भेजेंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट भेजेंगे, जैसे आपका ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट तिथि है वो है आपका 2 दिसंबर, 2 दिसंबर आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन करने का जो लास्ट डेट है, बट ये जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे, जो हार्ड कॉपी भेजेंगे, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन लिखा गया है ऑन और बिफोर, यहाँ पे अगर देखेंगे इस लाइन को अगर देखेंगे ऑन और बिफोर दिसंबर 12 दिसंबर 2022 से पहले पहले ये, या वो आपका लास्ट डेट है, उसी डेट तक या उसी डेट से पहले आपका तमाम डॉक्यूमेंट वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार पोस्टल डिले के लिए जो है NIT सूरत जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे आपका एप्लीकेशन फीस को। एप्लीकेशन फीस देखिए यहाँ पे जो SC ST कैंडिडेट्स, PWD एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स है, जो फीमेल कैंडिडेट्स है, तो इनके लिए आपका एग्जम्प्ट किया गया है, इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। बट इनके अलावा जो जितने भी अदर कैटेगरी हैं उनके लिए 500 रुपया जो नॉन रिफंडेबल जो फीस रखा गया है, वो किसी प्रकार की रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी आपको जो है ऑनलाइन जब आप सब आवेदन करते समय आपको जो है उसका गेटवे मिल जाएगा, और आप वहाँ पे नेट बैंकिंग या ATM डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जरिए आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट इसमें बताया गया है आपका डिफ़िकल्टी, जैसे सबमिशन के समय पे यहाँ पे क्लियरली बताया गया है, जैसे कि आप जब ऑनलाइन सबमिशन करते हैं, ऑनलाइन सबमिशन करते समय अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, यहाँ पे देखिए जो एक ये देख सकते हैं, जो एक आईडी जारी किया गया है, एक मेल आईडी जारी किया गया है, इसमें आपका जो क्यूरी है आप लिख के भेज सकते हैं, और सूटेबल रिप्लाई भी ऑन टाइम दिया जाएगा, उसके आधार पर आप जो है अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ शेड्यूल्स देखिए, यहाँ पे जो कुछ शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स कुछ इस तरह है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन का जो पब्लिकेशन डेट है ये 17 अक्टूबर 2022 है। यहाँ पे देखिए पोर्टल जब ओपन होगा, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ओपन का डेट है 21 अक्टूबर 2022 से इसका जो साइट ओपन हो जाएंगे। और लास्ट डेट यहाँ पे देखिए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है, यहाँ पे 2 दिसंबर 2022 लास्ट डेट आपका है।
और देखिए यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी, जो आप हार्ड कॉपी भेजेंगे एप्लीकेशन का, वो देखिए उसका लास्ट डेट पहुँचने का जो है 12 दिसंबर 2022 तक वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सभी जो डिटेल्स है जो वो अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को आप थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस एंड शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड विल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। इसका मतलब यह है कि अभी जो है इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, शेड्यूल ऑफ एग्जाम जो भी है ये इसमें जो है दिया नहीं गया है इस नोटिफिकेशन में, यह आपको ड्यू टाइम पे दिया जाएगा। तो इसलिए सभी कैंडिडेट्स को एडवाइज किया जाता है आप लोग लगातार इस वेबसाइट में बने रहिए, टच में रहिए, ठीक है। ऑन ड्यू टाइम आपका ये तमाम चीज़ें जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका जो है इसमें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी इसमें दिया जाएगी वेबसाइट में, ठीक है। जैसे मैंने पहले से बताया था, कोई भी अगर क्यूरी होता है यहाँ पे एक जीमेल आईडी जारी किया गया है, और किसी प्रकार टेक्निकल डिफिकल्टी अगर आप फील करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो एक नंबर जारी किया गया है, लैंडलाइन नंबर जारी किया गया है, इसमें आप सुबह से 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप जो है अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जितना भी जो वैकेंसी आपका एनआईटी सूरत में, देखिए आपका जैसे ये यहाँ पे मोस्टली बताना चाहूँगा 5 डेज वीक है, परमानेंट जॉब है, बहुत सारे फैसिलिटीज है जो आपका स्केल अप पे के अलावा जो आपका एचआर है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, अन्य अलाउंसेस, और जो एक लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल इस जॉब में आपको आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो पोस्ट जैसे दोबारा यहाँ पे दिया गया है, द रिक्रूटमेंट रूल्स जो क्या रहेंगे इस पोस्ट के लिए, जूनियर असिस्टेंट एनआईटी, सबसे पहले तो पोस्ट आपका जूनियर असिस्टेंट है, और यहाँ पे देखिए ये ग्रुप सी का वैकेंसी है, इसमें जो बेसिक पेमेंट 1 के तहत इनको जो सैलरी दी जाएगी, जिसके अंदर देखिए आपका जो पे स्केल है 5200 से लेकर 20200 आपका पे स्केल है, विथ ग्रेड पे रहेगा आपका 2000 रुपये ग्रेड पे रहेगा। इसके अलावा आपका DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अदर जितने भी जो अलाउंसेस है वो आपको लागू होंगे। एज लिमिट देखिए इसमें 27 साल रखा गया है जो एज लिमिट फॉर डायरेक्ट। इसमें देखिए दो तरह के कैंडिडेट्स इसमें आवेदन करने के लिए जो मौका अपॉर्चुनिटी दिया गया है, एक तो डायरेक्ट कैंडिडेट, डायरेक्ट कैंडिडेट्स मतलब जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स है जो अभी तक कोई भी जॉब नहीं किए, वो कैंडिडेट्स के लिए इसमें 27 साल रखा गया है। उसके बाद जो रिलैक्सेशन जैसे मैंने पहले से बता रखा हूँ, SC ST के लिए जो 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स, और जो आपका PW जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स अतिरिक्त जो रिलैक्सेशन उसमें दिया जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए आपका सीनियर सेकेंडरी मीन्स आपका 10+2 जो है पास आउट होना चाहिए। देखिए 10+2 पास आउट, इसमें कोई भी परसेंटेज नहीं दिया है, 10+2 मीन्स आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपका हो सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ देखिए मिनिमम एक टाइपिंग स्पीड जो है इसमें 35 वर्ड्स पर मिनट का एक टाइपिंग स्पीड होना चाहिए जो इंग्लिश में, और उसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, जो आपका जो कंप्यूटर में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट के ऊपर आपका जो है प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ मांगा गया है, एक तो 10+2 पास आउट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, टाइपिंग स्पीड जो है आपका 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग जैसे वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट के ऊपर आपका जो प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, यही है आपका एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है। इसमें देखिए जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स इस पद के लिए जो आवेदन करेंगे उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है, ठीक है, बट उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए और कंप्यूटर के ऊपर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। बट इसमें देखिए जो आपका मूड ऑफ जो टोटल वैकेंसी को जैसे दो भाग में बटा गया है, कुछ 75% जो सीटें हैं वो आपका जो है डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट जो कैंडिडेट आते हैं जो फ्रेशर्स है उनके लिए है, 25% जो प्रमोटेड है मतलब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो जो इस डिपार्टमेंट में कम से कम 5 साल जो है इससे जूनियर पोस्ट में काम कर लिया होगा, ठीक है, उनके लिए 25% जो 25% वैकेंसी उनके लिए जो है रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे इसे आपका फॉर्मेट स्टार्ट हो गया है, जैसे फॉर्मेट में दिखाना चाहूँगा, ये सबसे पहला जो फॉर्मेट आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो लेटेस्ट फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है, ठीक है। लास्ट वाला ये यहाँ पे फॉर्मेट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, ये फॉर्मेट को आप पूरी तरह से देख सकते हैं। थर्ड जो फॉर्मेट यहाँ पे देखिए जो आपका जो रिटायर्ड सर्विंग सोल्जर्स या सर्विंग सोल्जर्स अगर इस पोस्ट के लिए जो आवेदन करेंगे उनके लिए जो लेटेस्ट फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में उनको सर्टिफिकेट जो प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
जो आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो लेटेस्ट फॉर्मेट है पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो जारी किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट दिया, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस जो EWS जो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है, जो फॉर्मेट ये आपका लेटेस्ट फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के तहत आपको सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का इसमें फॉर्मेट दिया गया है, बट इसमें आपका एलिजिबिलिटी में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो बट किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रिफरेंस और आपको दिया जाएगा, ठीक है। बट जिस कैंडिडेट्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं रखा गया है। तो ये था इस नोटिफिकेशन का जो डिटेल, जो इन्फॉर्मेशन है जिसको मैंने कवर किया। उम्मीद करता हूँ मेरा देश के तमाम जो युवा पीढ़ी है इस जो वीडियो को देखने के बाद आप लोग आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। अनदर थिंग, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो कैंडिडेट संपूर्ण रूप से पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं, देखिए मेरा एक टेलीग्राम पेज है वो टू सक्सेस के नाम से, उस टेलीग्राम पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम पेज में ऑल इंडिया बेसिस के सेंट्रल जॉब की वैकेंसी के बारे में और भी कई सारे वीडियोज है, ठीक है। और अलग अलग स्टेट के जो वैकेंसी के ऊपर जो नोटिफिकेशन और वीडियोज वहाँ पर भी डाला हुआ है, जो कैंडिडेट इसको चेक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो पक्का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इसके साथ चलते हैं, इस नोटिफिकेशन के पे क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।